रोटरी अनंता दिल्ली की तरफ से चैरिटेबल डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया गया मेयर के द्वारा। जी हां, अनामिका सिंह यहां पर पहुंची इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने के लिए, जो कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी है। यहां पर महज कम पैसे में ही लोगों का इलाज किया जाएगा, साथ ही उनको दवाइयां दी जाएंगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ लोग महंगे इलाज से कतराते हैं और उनका वक्त से इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो परेशानी झेल रहे होते हैं, वहीं रोटरी अनंता दिल्ली की तरफ से ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है कि हर महीने अलग अलग क्षेत्रों में एक ऐसी डिस्पेंसरी खोली जा रही है जो कि कम पैसों में लोगों का अच्छा इलाज कर सके। तैमूर नगर में भी ये चौथी डिस्पेंसरी जो है रोटरी अनंता की तरफ से खोली गई। चौथी डिस्पेंसरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेयर अनामिका सिंह इसका उद्घाटन करने पहुंची। साथ ही साथ आपको बता दें, रोटरी अनंता दिल्ली के जितने भी मेंबर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों का इलाज करेगी। मैम, आज रोटरी की तरफ से डिस्पेंसरी खोली है, कितना अच्छा मानती है जो कदम उठाया गया रोटरी क्लब की तरफ से? सर, प्रथम तो मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने पुण्य कार्य ये यहाँ पूरे दक्षिणी दिल्ली में करवा रहे हैं। और ये चौथा डिस्पेंसरी है और उचित मूल्य पर हमारे जो पेशेंट आएंगे और हमारे अनुभवी डॉक्टर भी ये यहाँ पर बैठेंगे और हमारे यहाँ पर जो नागरिक इसकी जो लाभ लेंगे, तो मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितना इसमें योगदान देंगे? जो भी योगदान होगा वो तो हम करेंगे ही, और हमारे तरफ से यहाँ पर हम हमेशा ये जो स्वच्छता रहेगा, ये जो भी एरिया में यदि कोई प्रॉब्लम है ये तो यहाँ पर हम करवाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी पेशेंट आएंगे तो हमारे तरफ से तो स्वच्छता सर्वोपरि यहाँ पर रखी है। आप भी क्या कभी कुछ सजेस्ट करेंगे मनोज जी को, कुछ और जगहों पर खुलना चाहिए, क्योंकि अभी तो लक्ष्य है उनका 12 डिस्पेंसरी खोलेंगे, बाकी और भी आप बताएंगे कि ज्यादा? अभी जैसा कि मनोज जी हमको बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य है कि विद इन दिस ईयर तो 1 लाख तकरीबन जो है वो पेशेंट वो आए, और जो वहाँ यहाँ पर आने के बाद जो है और भी हमारा डिस्पेंसरी खुलेगा और 1 लाख का इनका लक्ष्य है। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते कि ये नेक काम में जो सहयोग हम लोग से भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। डिस्पेंसरी खोली जा रही, कहाँ कहाँ पर खोली जाएगी और क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप? हमारे 1 साल में 12 डिस्पेंसरी और एक मेडिकल सेंटर बड़ा हम खोल रहे हैं। ये हमारी चौथी डिस्पेंसरी है। पहली डिस्पेंसरी हमने दक्षिणपुरी में खोली थी और उसमें हर महीने 350-400 पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं। दूसरी डिस्पेंसरी हमने तुगलकाबाद में खोली थी और तीसरी डिस्पेंसरी अभी हमने हरिनगर खोली थी। तो ये चौथा महीना है, चौथी डिस्पेंसरी हम यहाँ खोले हैं और पांचवी डिस्पेंसरी गोविंदपुरी। इस तरह से हम 8 डिस्पेंसरी दिल्ली में खोलेंगे, ईस्ट साउथ वेस्ट दिल्ली मिला के, और 4 डिस्पेंसरी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खोलने की प्लानिंग है। और एक बड़ा ग्रेटर नोएडा में हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनना है, हमारी क्लब का बनना है, रोटरी क्लब अनंता का। मेरे साथ में मेरे क्लब के सेक्रेटरी साहब भी हैं, अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर साहब भी हैं, और हम लोग कोशिश ये रहती है, हमारा टोटल 50 लोगों का क्लब है, कि हम 3-3, 4-4 लोग एक एक डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी लेते हैं। तो हम सबके मन में भाव सेवा का भी रहता है, कंट्रीब्यूशन का भी रहता है, और ये जो डिस्पेंसरी हम कर रहे हैं वो चैरिटेबल कर रहे हैं, तो इसमें हम 50 रुपये पेशेंट से लेते हैं, 50 रुपये हमारे अपने खर्च होते हैं, क्योंकि इसमें सारी मेडिसिन जो है हम बाजार से परचेज करते हैं, डॉक्टर को भी पेमेंट करते हैं, असिस्टेंट को भी करते हैं, रेंटल पे शॉप लेते हैं। तो ये बड़ा मन में सुकून रहता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में हम 1 लाख पेशेंट हर साल ट्रीट कर सकेंगे, देख सकेंगे। साथ में हम इन डिस्पेंसरीज को जो मल्टी स्पेशलिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उससे हमने कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो पेशेंट यहाँ पर ट्रीट नहीं हो पाएंगे उनको वहां रेफर कर देंगे। जैसे हम रामसुमनी देवी मेडिकल सेंटर में 1100 रुपये में हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो सामान्यतः बड़े हॉस्पिटल में 15,000, 20,000, 25,000 रुपये में होता है, तो एक्सरे 30 रुपये में होता है, डेंटल का जो कैविटी और जो फिलिंग होती है 50 रुपये में होती है। तो इस तरह से गरीब आदमी को, जो सामान्य व्यक्ति जिसकी बेचारे की तनख्वाह 10,000, 5,000, 6,000 रुपये कमाते हैं, उनको ये सुविधा मिल जाएगी तो मन को संतोष होगा कि हम समाज में कुछ वापस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं जो हम समाज से हमेशा लेते रहते हैं। धन्यवाद रतन जी और सुरेंद्र जी का, जो हमारे रोटेरियंस हैं, उनके सौजन्य से ये डिस्पेंसरी है, और इसका जो भी वाहन होता है खर्चा वो सब महीने के अंत में वो लोग मिलकर करते हैं क्लब की तरफ से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनका, और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी महापौर जी का,
कि उन्होंने समय निकाल के यहाँ पर हम लोगों का उत्साह वर्धन किया और आप लोगों का पैसवानों का कि आप लोग हमारे एक बार एक फोन करने पर आ जाते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।